हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, दो तरह से बड़ी बनाएंगे, उड़द दाल मसाला बड़ी और चना मूंग का मिक्स बड़ी बनाएंगे। इसके लिए हम एक कप मूंग दाल डालेंगे, दो कप चना दाल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से धोकर दो पानी से 4 से 5 घंटा भीगने देंगे। उड़द दाल भी हम दो कप डाल दिए हैं, इसको भी अच्छी तरह से धो लेंगे पानी से, 4 से 5 घंटा फूलने देंगे। उड़द दाल मसाले वाले बनाएंगे, इसके लिए हम एक चम्मच काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, 4 से 5 खड़ी इलायची, 2 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स। सारे मसाला को हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हल्का सा गर्म होने के बाद हम मिक्सी में मोटा दरदरा पीस करेंगे ठंडा करके। 1 से 2 मिनट भून लिए हैं, अब हम प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सी में मोटा दरदरा पीस कर लेंगे। इधर हम दाल को अच्छी तरह से दो पानी से धो लिए हैं, दाल फूल गया है 4 से 5 घंटा। अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तभी पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर दानेदार पेस्ट बना लेंगे, ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाएंगे बरी के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से दानादार, इसी तरह से हम सारे दाल को पीस कर लेंगे। इसी तरह से हम चना मूंग दाल को भी पीस कर लेंगे। मोटा दरदरा देख सकते हैं, इस तरह से हम चना मूंग दाल को भी पीस कर लिए हैं। इसी तरह से हम सारे चना मूंग दाल को भी पीस कर लिए हैं मोटा दरदरा, ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं करना है बरी के लिए। इसी तरह से दानादार पीस कर लेना है। अब हम दाल को फेंटेंगे हल्का होने तक, तभी हमारे बरी सॉफ्ट बनेंगे, सब्जी बनाने से अच्छी तरह से घुल जाएंगे, नहीं तो पकेंगे नहीं बरी। दाल को अच्छी तरह से फेंटना ही ज़रूरी होता है बड़ी बनाने में, अगर अच्छे से नहीं फेंटेंगे तो हमारा बड़ी सब्जी में पकेंगे नहीं, अच्छे से टाइट रहेगा, खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फेंटते फेंटते दाल हल्का होने लगा है। अब हम पानी में डालकर देखेंगे थोड़ा दाल, आप देख सकते हैं दाल ऊपर तैरने लग गया है। बरी बनाने के लिए दाल परफेक्ट तैयार हो गया है। इसी तरह से हम उड़द दाल को भी फेंट लेंगे हल्का होने तक। एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। बरी बनाने में इस खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इधर हम मसाला को भी पीस कर लेंगे बरी में डालने के लिए। उड़द बरी में मोटा दरदरा मसाला पीस कर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। ज़्यादा बारीक मसाला नहीं करना है, मोटा दरदरा रखना है। और थोड़ा सा फेंट लेंगे उड़द दाल को। दाल अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, हल्का होने लगा है। अब हम उड़द दाल को भी पानी में डालकर चेक करेंगे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दाल ऊपर तैरने लग गया है। तो हमारा परफेक्ट बरी बनाने के लिए तैयार है दाल। अब हम सारे मसाला को दाल में डालकर अच्छे से फेंटेंगे, कसूरी मेथी को भी डाल देंगे, इससे बरी बहुत टेस्टी बनते हैं मसाला बरी। ये बरी हम
साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। बरसात के मौसम में जब सब्जी का दिक्कत होता है तो आप इस सब्जी को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आलू के साथ बना सकते हैं या अकेले बरी को भी बना सकते हैं आप। 2 घंटे के मेहनत में आप साल भर सब्जी खा सकते हैं। इधर प्लास्टिक बिछा दिए हैं। अब हम इस तरह से पेस्ट लेंगे और हाथ से हल्का इस तरह होल करके रखते जाएंगे प्लास्टिक के ऊपर में। हल्का हल्का हाथ में पानी लगाकर पेस्ट लेंगे और इस तरह से बड़ी बनाते जाएंगे। ये मसाले वाले उड़द दाल बड़ी है, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा साइज के बनाया जाता है। हल्का हल्का धूप आ रहा है बालकनी में, वहीं पे हम बना रहे हैं। बड़ी को धूप लगाना ज़रूरी होता है। 2-3 दिन का धूप अच्छे से लगा लेने से बड़ी साल भर ख़राब नहीं होता है। इसको आप कोई भी डब्बा में स्टोर करके रख सकते हैं। शीशे वाला या प्लास्टिक का डब्बा कोई भी हो, आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे बड़ी बना लेंगे। उड़द मसाला दाल बड़ी हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इधर एक कपड़ा बिछा लिए हैं। अब हम चना मूंग दाल बड़ी बनाएंगे। इसमें हम मसाला नहीं डाले हैं, ऐसे ही छोटा छोटा बड़ी बनाएंगे। बड़ी में नमक नहीं डाला जाता है, सब्जी बनाते समय ही नमक डाला जाएगा। इसी तरह से हम छोटा छोटा बड़ी बना लेंगे। चना मूंग दाल बड़ी हल्का हल्का हाथ में पानी लगाकर 5 बड़ी बना लिए हैं। अब हम उसमें 5 लाल मिर्ची लगाएंगे। इससे कहा जाता है कि बड़ी बनाने में मिर्ची लगाने से बड़ी को नज़र नहीं लगता है, सब्जी बनाने में अच्छे से पक जाते हैं। बूढ़ी दादा दादी का कहावत है, बड़ी बनाने में लाल मिर्ची लगाना चाहिए। इसी तरह से हम चना मूंग दाल बड़ी भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। दिन भर धूप लगने के बाद आप देख सकते हैं बड़ी किस तरह से सूख गया है। अब हम इसको निकाल कर किसी प्लेट में रख देंगे। दिन भर का धूप लगने के बाद बड़ी सूखने लगा है, इसको निकाल कर प्लेट में और 2 दिन धूप अच्छी तरह से लगा लेंगे। बहुत अच्छे से बड़ी निकल रहा है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बड़ी निकल रहा है। इसी तरह से हम सारे बड़ी निकाल लेंगे। सारे बड़ी को हम निकाल लिए हैं, चना मूंग दाल बड़ी। अब हम उड़द दाल मसाले वाले बड़ी को निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बड़ी बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानियो दोस्तों, इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको तोरी के साथ भी बना सकते हैं। दोनों ही बड़ी बनकर तैयार हो गया है। अब हम और 1 से 2 दिन धूप लगा लिए हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे बड़ी टूट रहा है, एकदम सॉफ्ट बड़ी है। बहुत सॉफ्ट है, सब्जी बनाने के बाद मुंह में घुलने लगेगा ये बड़ी। इस तरह से बनाएंगे तो आप इस बड़ी को साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। बीच बीच में आप 2-3 महीने पे धूप लगा सकते हैं बड़ी को निकाल कर।
आप देख सकते हैं कितने अच्छे उड़द दाल मसाला बड़ी और चना मूंग दाल बड़ी भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। 2 घंटे मेहनत कीजिए और आराम से साल भर सब्जी खाइए बरसात के मौसम में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके बाय।